वहीं पौड़ी जिले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाबौ और राजकीय अटल आदर्श इंटर कॉलेज पाबौ का एकीकरण किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। ग्रामीणों ने दोनों विद्यालय के एकीकरण पर अपनी आपत्ति जताई है। दरअसल बीते दिनों मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने संघ की राय जानने के निर्देश दिए थे, जिस पर अभिभावकों ने अपना विरोध जताते हुए सर्व समिति के लिए गए फैसले पर अपना प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजा और एकीकरण का विरोध जताया। और ग्रामीणों ने कहा कि दोनों स्कूल का एकीकरण हुआ तो वे शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। वही डीएम पौड़ी ने एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। ये कई टाइम से यहाँ लगे हुए कि भाई स्कूल पाबौ में शिफ्ट हो जाए, हम लोग नहीं चाहते कि ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर के बच्चे पढ़ने आते हैं। ताल से हैं, ये रतकोटी से, पटोटी से कई बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और हम नहीं चाहते कि ये स्कूल पाबौ जाए। सभी अभिभावकों का यही कहना है कि यहाँ से स्कूल पाबौ जाए। तो ये जमीन भी समय हम गाँव वालों ने दान दी थी स्कूल के नाम पे, हमारे गाँव वालों ने दान दी थी। अगर इनको यही था तो ये पहले से स्कूल वहीं रखते, पाबौ बाजार में रखते, क्यों इन्होंने यहाँ हमारे खेत बेकार किए। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल यहाँ से पाबौ ना जाए। सर, हमने शिक्षा के नाम पे ये दान कर रखी है, ना कि हमने किसी और के लिए जमीन दान की। हम चाहते कि स्कूल यही रहे। अगर ये स्कूल यहाँ से ले जाते तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, या तो बिना अपनी बिल्डिंग के भी ले जाओ और हमारी जमीन हम खुद अपने खेत करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि स्कूल वहाँ पे जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ। इंटर कॉलेज के बच्चों में बहुत वो हो रखे हैं, पढ़ाई में भी लापरवाही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ के बच्चे सब फेल हो रखे हैं, दो बच्चे पास हो रखे हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल भी ठीक है, हम लोग नहीं चाहते हैं। हमारे सब पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि हमारी स्कूल दिवाली में रहे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते, पर हमारे बच्चों के भविष्य जहाँ सही हो हम वहीं चुनेंगे। संबंध में एकीकरण का जो मैटर है, अभी आप मेरे नॉलेज में ला रहे हैं कि वहाँ पर इस संबंध में जनता में किसी किस्म का विरोध जैसी स्थितियाँ हैं, और तो इसमें एसडीएम और बीओ के लेवल से रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद में जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट जो आती है उसके बेसिस पे फर्दर कार्रवाई की।